अगर आप एक ड्राफ्ट्समैन है, सिविल इंजीनियर हैं या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर एडवांस सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो पीटीएस कैड एक्सपर्ट की मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, जहां पे आपको सभी कोर्सेज बहुत ही रिलायबल प्राइसेस में मिलेंगे और ये सभी कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं बाय प्रोफेशनल्स। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको सभी सॉफ्टवेयर्स कुछ इस तरह से नजर आएंगे। यहां पे आपको रेविट स्ट्रक्चर भी मिलने वाला है, ऑटोकैड एडवांस भी मिलेंगे। इसी तरह से रेविट के अंदर आप डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, ई टैब सीखना चाहते हैं या सिविल 3D सीखना चाहते हैं, आपको सिंपली टैप करना है। टैप करने के बाद आप इसकी डिटेल्स में जाकर के यहां पे आपको कोर्स डिस्क्रिप्शन मिलने वाला है एंड देन उसके बारे में आप कंप्लीट डिटेल एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इस पूरी ट्रेनिंग में आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप कोर्सेज में जाएंगे तो आपको डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगी। आप डेमो वीडियो पे क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन वॉच द डिटेल्स ऑफ द कोर्स। सो इसी तरह के काफी सारे इंटरेस्टिंग कोर्स हम ऑलरेडी ऐप पर पब्लिश कर चुके हैं, तो इसी तरह के डिटेल कोर्सेज हम आगे भी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और काफी सारे कोर्सेज है, आप एक बार जरूर चेक कीजिए और ऐप को अभी इंस्टॉल कर लीजिए। This is what something we are gonna create in this video. From scratch to end, कैसे आप complete interior को design करेंगे, lighting, material, component placement, हम सब cover करने वाले हैं. So grab a pen and paper and make sure you note down the key points, so that आप अपने next project में उसे use कर सकें. But there is something more. कैसे आप interior का animation record करेंगे, उसे भी हम कवर करेंगे। एंड अगर आप कंप्लीट एनिमेशन के टॉपिक को डिटेल में सीखना चाहते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, कैसे उन्हें यूज़ करते हैं, सो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। एंड अगर आप स्केचअप को डिटेल में सीखना चाहते हैं, कैसे आप एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, कैसे आप मॉडलिंग करते हैं, कैसे आप डिज़ाइनिंग करते हैं, इसके अलावा रेंडरिंग सॉफ्टवेयर को अगर आप सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी स्केचअप की लाइव ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्केचअप को कम्प्लीटली जानते हैं बट ओनली आपको रेंडरिंग सॉफ्टवेयर पे वर्क करना है, सो उसके लिए भी डेडिकेटेड कोर्स इनस्केप एंड वीरे का ऐप के ऊपर अपलोडेड है, आप उसे चेक कर सकते हैं। सो आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ऑटोकैड फाइल है उसे इंपोर्ट करेंगे। सो इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी फाइल टैब के अंदर एंड यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है इंपोर्ट का, आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। देन आपने जहाँ पे भी फाइल को सेव किया हुआ है सिंपली आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आप उसे इम्पोर्ट करेंगे, क्लोज कर दीजिए। सो एज यू कैन सी कि आपकी जो फाइल है वो यहाँ इम्पोर्ट हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पे वॉल्स को ड्रॉ करना है,
तो वॉल को ड्रॉ करने के लिए आप अलग अलग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेक्टेंगल को बना सकते हैं, देर उसे पुश पुल कमांड से एक्सट्रूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली 1001 बिट टूल से वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है वॉल्स क्रिएट करने के लिए। एंड जो थर्ड हमारे पास मेथड होता है, उसके अंदर आप GHS पावर बार का यूज़ कर सकते हैं। GHS पावर बार के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है फेस फाइंडर का। आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है एंड जिस भी एजेस के अंदर जो एजेस आपकी मेन होने वाली हैं, आप उन सभी एजेस को सिलेक्ट कर लीजिए। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फेस फाइंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर जितने भी फेस है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा फेस को आपको रिमूव कर देना है एंड यहाँ से सेम आप पुश पुल कमांड को यूज़ करेंगे एंड यहाँ से आप उसे एक्सट्रूड कर देंगे। सो अराउंड 10 फिट में से एक्सट्रूड कर रही हूँ एंड यहाँ से बॉटम में मैं जाऊँगी एंड ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगी। इसके बाद अराउंड 8 फिट में से अप की तरफ एक्सट्रूड कर रही हूँ। जिस तरीके से सिलेक्ट किया मैंने कंप्लीट पार्ट को एंड यहाँ से मैंने इसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट किया। सेम तरीके से आपको यहाँ वॉल बना लेनी है, तो आप फेस फाइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं या इवन आप यहाँ से लाइन कमांड का यूज़ करेंगे एंड दो स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। देन पुश पुल कमांड को हम यूज़ करेंगे एंड यहाँ से आप इसे एक्सट्रूड करेंगे। कंट्रोल के साथ मूव करना है अगर आपको एक पर्टिकुलर लाइन को डिवाइड करना है तो। लिटिल बिट मैं इसको एक्सट्रूड कर रही हूँ यहाँ तक। एंड इधर हम डिवाइड करेंगे ग्लास पोर्शन की हेल्प से, तो इस लाइन को मैं रिमूव कर रही हूँ। कंट्रोल के साथ मैं यहाँ पे मूव करूँगी 4.5 इंचेस एंड यहाँ से आप इसे इस तरीके से यूज़ करेंगे। मेक श्योर जितने भी फेस पे आप वर्क कर रहे हैं वो आपके वाइट फेस हो। यहाँ पर आपको ब्लू फेस पे वर्क नहीं करना है, बिकॉज जब आप ब्लू फेस पे वर्क करते हैं तो काफ़ी दफ़ा जो मटेरियल्स होते हैं वो आपको प्रॉपरली यहाँ विजिबल नहीं होते हैं। तो आप वाइट फेस के ऊपर ही वर्क करें। अगर आपके मॉडल में बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि फेस वगैरह है, तो सिंगल क्लिक के अंदर एंड आप उसे राइट क्लिक करके रिवर्स करेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा आपका टाइम यहाँ पे यूज़ होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फ्रंट फेस। तो आप इस एक्सटेंशन की हेल्प से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फेस को रिवर्स कर सकते हैं। सेम मैं यहाँ पे बना रही हूँ। इतना करने के बाद मैंने एक रेक्टेंगल लिया एंड यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल को डिफाइन किया। सिलेक्ट कर लीजिए इसे, मूव करेंगे थोड़ा सा बॉटम की तरफ एंड ये जो लेंथ हमने ली थी डोर की, इसे मैं 7 फिट कर रही हूँ। तो यहाँ से आप इसे रिमूव कर दीजिए एंड 1 फिट आपको लिटिल बिट मूव करना है डाउन की तरफ। इसको सिलेक्ट कर लेना, आपको ग्रुप बना देना है। एंड अभी हम क्या करेंगे, बिकॉज हम टाइनी हाउस डिज़ाइन कर रहे हैं तो मैं इसको 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड कर रही हूँ। तो फर्स्ट जो पोर्शन रहेगा हमारा, वहाँ पे जो लेंथ होगी वो इतना ही हम रख रहे हैं एंड सेकंड जो पोर्शन रहेगा उसमें हम इसे एक्सट्रूड कर देंगे। सो टोटल हाइट हमारे मॉडल की यहाँ पर 15 फिट टू 16 फिट रहेगी। तो यहाँ पे आपने अराउंड 10 फिट लिया है, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहीं पे आपको क्या करना है, इसे एक्सट्रूड करना है एक और पोर्शन के अंदर। तो 10 फिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अराउंड 6 फिट में इसे और एक्सट्रूड कर रही हूँ। सो इतना पोर्शन आपको मिल जाएगा। ये इवन आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप इस पोर्शन को अलग से बना लीजिए। तो थोड़ा मैं इसको कंट्रोल के साथ बैक जाऊंगी, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड आपको करना क्या है, यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से आप इसे कॉपी करेंगे, बाहर आ जाइए, कंट्रोल वी के साथ इसे पेस्ट कर दीजिए एंड देन आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं।
6 6 एक्सट्रूड किया मैंने इसे, इरेज कर देना आपको एक्स्ट्रा लाइंस को, देन सेलेक्ट करेंगे आप इसे और इसे ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जो ये वाला पोर्शन है इसको मैं लिटिल बिट टिल्ट कर रही हूँ, सो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है एंड यहाँ से आपको डायगनली एक लाइन को ड्रॉ करना है। इन लाइंस को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, एंड ये वाला जो पोर्शन है हमारा इसे मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड कर रही हूँ, तो सिलेक्ट कर लीजिए इसे और कंट्रोल के साथ आपको मूव करना है बॉटम की तरफ अराउंड 6 inches एंड सिमिलरली इस पोर्शन से आपको करना है। तो इतना करने के बाद मैं यहाँ पे एक विंडो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं डबल क्लिक करूँगी एंड इस पोर्शन में विंडो प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ से यूज़ कर रही हूँ ऑफसेट टूल का। यहाँ पे आपको ऑफसेट लेना है अराउंड 1 foot, सो इतना आपका गैप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से अराउंड 3 inches का मैं और ऑफसेट ले रही हूँ, तो ये जो पोर्शन रहेगा यहाँ पे हम विंडो को प्लेस करेंगे। तो आपको क्लिक करना है इस पोर्शन पे एंड यहाँ से आपको क्या कर देना है, इस पोर्शन को रिमूव कर देना है। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर एक विंडो बन जाएगी एंड जो इस पोर्शन में अंदर आपको इस तरीके से गैप मिल रहा है उसको फिल करने के लिए आप सिंपली रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हैं एंड जहाँ पे भी आपको रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है जहाँ पे रिक्वायर्ड है। एंड सेम तरीके से बॉटम वाले पार्ट में हम करेंगे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ। एक्सिस को लॉक करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ से आपको रिवर्स कर देना है। तो ये आपका पोर्शन रेडी हो चुका है। इसके बाद विंडो बनाने के लिए आपको रेक्टेंगल का यूज़ करना है एंड जिस भी पोर्शन में आप विंडो को ड्रॉ करना चाहते हैं वहाँ पे आप या तो लाइन की कमांड की हेल्प से कर सकते हैं, जस्ट आपको एक फेस को ड्रॉ करना है यहाँ पे। सो ड्रॉ करने के बाद आपको सिंपली उस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर विंडो के फ्रेम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको पैनल्स चाहिए तो आप इस ऑप्शन के थ्रू क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया एंड देन मैं यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी विंडो फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। तो एक फिक्स्ड विंडो होगी तो मैं इस ऑप्शन के थ्रू जाऊँगी, यहाँ पे मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी एंड यहाँ पे आपको फ्रेम कैसा रखना है, अगर आप रेक्टेंगुलर फ्रेम रखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से बेवल एजेस के लिए अलग से आपके पास ऑप्शन मिल जाता है एंड साथ ही में अगर आपको एक्सट्रूड एजेस चाहिए तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी एंड देन आपको जितना डेप्थ कितना आपको रखना है यहाँ से, फ्रेम विड्थ कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अराउंड मैं इसे 3 inches सेलेक्ट कर रही हूँ। जो डेप्थ है इसकी वो मैं अराउंड 1.5 inches सेलेक्ट करूँगी। सिमिलरली फ्रेम विड्थ 3 inches रहेगा एंड जो W2 है उसको मैं 1.5 inches कर रही हूँ। जो आपने रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है उसके अगर आप बैक में बनाना चाहते हैं तो आप बैक को सिलेक्ट करेंगे, मिडिल को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से आप फ्रंट को सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो मुझे इस फेस के बैक में विंडो चाहिए, तो मैं बैक को सिलेक्ट कर रही हूँ एंड यहाँ से देन मैं क्रिएट विंडो फ्रेम के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो आपकी जो फ्रेम है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। इन केस बहुत माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए एंड सिंपली आप उसे स्केल कर दीजिए। एस्केप करेंगे आप एंड जो फेस है उसको भी मेक श्योर आप यहाँ पे वाइट फेस के ऊपर वर्क करें। सेम तरीके से आप यहाँ पे डोर को ड्रॉ कर सकते हैं, डोर की फ्रेम्स को ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली वेयर हाउस से किसी डोर को इम्पोर्ट करा रही हूँ तो यहाँ पे मुझे नीड नहीं है फ्रेम को ड्रॉ करने की। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड करूँ आपकी तरफ, तो सिलेक्ट करेंगे इसे एंड मैं इसे मूव कर रही हूँ। दोनों पार्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, सबसे पहले इसका एक ग्रुप बना दीजिए, मूव कमांड को यूज़ करेंगे और आप इसे आपकी तरफ मूव करेंगे अराउंड 6 फिट, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्टेयर्स भी बनेंगी तो लिटिल बिट मैं इसको एक्सट्रूड कर रही हूँ। एंड जैसे मैं डबल क्लिक करती हूँ ग्रुप के अंदर, तो आपने नोटिस किया होगा कि इसके अलावा जितने भी पार्ट था वो मेरा यहाँ पे हट चुका है, तो वो ओनली हाइड हुआ है। उसको अगर आपको अनहाइड करना है या इवन आप नहीं चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्यू टैब के अंदर जाना है, कंपोनेंट एडिट के ऑप्शन में हाइड रेस्ट ऑफ मॉडल करके एक ऑप्शन होता है, आप इस ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट कर दीजिए तो आपको सभी मॉडल्स यहाँ पर विजिबल होंगे। सेलेक्ट करना है आपको एंड सिंपली आपको उसे एक्सट्रूड करना है जिस तरीके से। ओवरऑल हाइट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, तो 22 फिट ओवरऑल हाइट है मेरी जो कि इनफ है। इसके बाद इस पोर्शन के अंदर मैं एक विंडो को ड्रॉ कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे डबल क्लिक करना होगा इस पर एंड यहाँ पे आपको एक, अगर आप रेंडमली बनाना चाहते हैं तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, या इवन अगर आप डायमेंशन के थ्रू बनाना चाहते हैं तो आप वैसे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर दूँ एंड यहाँ पे जितने भी पोर्शन के अंदर मैं विंडो को ड्रॉ करना चाहती हूँ कुछ इस तरीके से मैं विंडो को ड्रॉ करूँगी। देन यहाँ से पुशपुल कमांड को यूज़ करेंगे, इस तरीके से बना देना है। एंड ये करने से पहले मेक श्योर आप इसकी कॉपी ज़रूर ले लीजिए, यहाँ पे आप रखेंगे देन सिंपली आपको डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो लास्ट एक्सट्रूड होता है वही यहाँ पे आपका यूज़ हो जाता है वापस से, तो बिकॉज हमने यहाँ तक लिया था तो ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, यहाँ पर एक होलो शेप को क्रिएट कर दिया। इतना करने के बाद बैक पोर्शन के अंदर भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, देन इसके लिए यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है एंड इस पोर्शन में आप इसका यूज़ करेंगे रेक्टेंगल का। जितने भी पोर्शन के अंदर आप विंडो को प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रेक्टेंगल को ड्रो कीजिए एंड सेम जैसे हमने यहाँ पे इसको होलो किया है आप यहाँ से भी इसे होलो कर देंगे। तो आप रेक्टेंगल का यूज़ कर सकते हैं या इवन आप यहाँ से ऑफसेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं, तो क्लिक करेंगे ऑफसेट कमांड को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आप कितना करना चाहते हैं, अराउंड 1 फिट में चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया, प्रेस पुल कमांड आप लेंगे और यहाँ से आप उसे होलो कर देंगे। इसके बाद ये जो पोर्शन मैंने बनाया है यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ, उस लाइन को आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड इसे हम मूव करेंगे मिड में। इस लाइन को आपको डिवाइड करना है 4 सेगमेंट के अंदर, तो यहाँ से मैंने डिवाइड किया, बाकी के सेगमेंट्स को मैं डिलीट कर रही हूँ, एक सेगमेंट को मैं सिलेक्ट करूँगी, इसे मूव कर देंगे फिर से बॉटम वाले पार्ट में एंड यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर आपको करना क्या है, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से, सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ पे आपके पास लोवर्स वगैरह क्रिएट करने के लिए ऑप्शन होते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे आप लोवर को ड्रॉ करते हैं उससे पहले हमें यहाँ पर एक बाउंड्री फेस चाहिएगा, तो उसके लिए इसी ऑप्शन का मैं यूज़ कर रही हूँ, सेलेक्ट कर लीजिए सिंपली क्रिएट कर दीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, उस फेस को आपको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे जैसे हमने स्केल किया था सेम तरीके से आप यहाँ भी स्केल करेंगे। इसके बाद आपको उस फेस को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन हो जाते हैं लोवर्स को क्रिएट करने के लिए, ये हॉरिजॉन्टल लोवर्स के लिए है एंड दिस वन इज़ फॉर वर्टिकल लोवर्स, तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल लोवर्स को,
आप सिलेक्ट कर लीजिए इसे। डेप्थ आप कितनी देना चाहते हैं, थिकनेस है, स्पेसिंग है एंड एंगल है, चारों पोर्शन को आप डिफाइन करेंगे। तो डेप्थ में इसकी अराउंड 2 inches सेलेक्ट कर रही हूँ, थिकनेस में यहाँ पे इसकी 0.5 inches सेलेक्ट करूँगी एंड स्पेसिंग में यहाँ पर 3 inches दे रही हूँ। एंगल 30 रखेंगे और यहाँ पर क्रिएट लोवर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन जिस फेस के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप सिंपली उस फेस को सिलेक्ट कर लीजिए एंड एज यू कैन सी कि आपके जो लोवर्स हैं वो यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। अभी आपको इसकी कॉपी लेनी है, तो कॉपी लेने से पहले मेक श्योर आप इसे कॉम्पोनेंट के अंदर कन्वर्ट ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले मैं उस लाइन्स को रिमूव कर देती हूँ, देन आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कॉम्पोनेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जो नेम आप यहाँ पर देना चाहते हैं वो नेम आप डिफाइन कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर फ्रेम, विद लोवर्स सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से क्रिएट कर देंगे। देन आप क्या करेंगे, इसके यहाँ पे कॉपीज लेंगे, एक कॉपी ली, 2 copies और लेनी है। एक्स को प्रेस कर दीजिए एंड सिंपली यहाँ पे 2 कर दीजिए। एक और कॉपी की नीड होगी आपको यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। अभी कंपोनेंट में कन्वर्ट करने का रीज़न ये था कि अगर मैं इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट करती हूँ तो ऑटोमेटिकली चेंजमेंट आपको बाकी 3 में भी मिलेगा। तो आप मटेरियल को अप्लाई कर रहे हो तो सिंपली आपको एक के अंदर अप्लाई करना है, ऑटोमेटिकली जो मटेरियल होगा वो बाकी सभी के अंदर भी अप्लाई हो जाएगा। सो ये हम इतना रखेंगे। इसके बाद आपको इंटीरियर पे वर्क करना है, मेन हमारा फोकस इंटीरियर पे रहेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं वॉल बाय वॉल कवर करूँगी इसे। तो मैं इसे सिलेक्ट कर रही हूँ अपर पोर्शन को एंड मैं यहाँ से इसे हाइड कर रही हूँ। इसके बाद आपको सिंपली रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है एंड जितने पोर्शन में आप रेक्टेंगल को ड्रॉ करना चाहते हैं, बिकॉज ये कंप्लीट पोर्शन में मैं यहाँ पर ब्रिक वॉल को अप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए एंड आप डिफरेंट एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, मैंने ग्रुप के अंदर कन्वर्ट किया, हाइट में प्रॉपर दे दूँ इसे यहाँ तक। थोड़ा सा गैप है, इसको भी हम फिल कर देते हैं। इसके बाद मैं यहाँ से इस ऑप्शन को इनेबल कर रही हूँ सो दैट मैं ओनली इस पर वर्क कर सकूँ। सबसे पहले आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है एंड सेलेक्ट करने के बाद जो भी आप यहाँ पर ब्रिक अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पर टाइल्स को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं उसे मैन्युअली क्रिएट करने की बजाय। तो आपको करना क्या है, फ्लोर जनरेटर एक एक्सटेंशन है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए एंड इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे पैटर्न्स को डिफाइन कर सकते हैं कि आपको टाइल को सिलेक्ट करना है, ब्रिक आप यूज़ करना चाहते हैं, वुड है, ट्विड है, इसी तरीके से काफ़ी सारे पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ब्रिक को सिलेक्ट किया, देन आप यहाँ पे लेंथ कितने डिफाइन करना चाहते हैं एंड विड्थ कितनी होगी वो आप यहाँ से बता देंगे। तो मैं यहाँ पे जो लेंथ है उसे 4 feet रख रही हूँ एंड जो विड्थ होगी मेरी यहाँ पे उसे मैं अराउंड 6 inches रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जस्ट आपको एक पैटर्न बनाना है। तो मैं इस टाइप का पैटर्न सेलेक्ट कर रही हूँ। गैप विड्थ आप कितने रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से बता देंगे। तो 0.1 inches में से दूंगी एंड इसके बाद सेम तरीके से गैप डेप्थ आ जाएगी आपकी। तो यहाँ से मैं इसे इतना ही रख रही हूँ 1/4 inches, तो 0.25 inches आप यहाँ पर डाल देंगे। ऑफसेट आपका हो चुका है, कॉर्नर या फिर सेंटर ये भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप रैंडम पोजीशन चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दीजिए। थोड़ा सा रियलिस्टिक इम्पैक्ट डालने के लिए रैंडम इम्परफेक्शन को मैं ऑन कर रही हूँ एंड यहाँ से ऐड बेवल टू ब्रिक इसको मैं सिलेक्ट करूँगी एंड देन फाइनली आप यहाँ से एंटर करेंगे। करने के बाद जिस फेस के ऊपर आपको जाना है, जिस फेस के ऊपर आप टेक्सचर को अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस फेस को सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एज यू कैन सी बॉटम में आपकी यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है एंड जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी आपको यहाँ पर ब्रिक्स विजिबल हो जाएंगे। सेम तरीके से मैं यहाँ पे जितनी भी वॉल्स रहेंगी वहाँ पर क्रिएट कर लूँगी। जैसे बाथरूम हमारा मेरा वॉल है वहाँ पे मैं बना लूँगी। तो आप डबल क्लिक कर लीजिए, सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल को बना लेना है। तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको शेप्स को डिफाइन करना है। तो जितने पोर्शन में आप बनाना चाहते हैं आप वहाँ पर बना सकते हैं।
इसके बाद सिलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप बना लीजिए एंड यहाँ पे इन तीनों पोर्शन के अंदर मुझे टाइल्स को बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको टाइल का जो साइज़ होगा वो यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो मैं 100x200 सेंटीमीटर की टाइल्स बना रही हूँ यहाँ पे। तो मैं सेलेक्ट करूँगी तीनों फेस को, सिंगल में भी क्लिक कर सकते हैं आप। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सबसे पहले टाइल पे आप गए, यहाँ पर आपने टाइप किया 100 सेंटीमीटर एंड बाकी पोर्शन के लिए मैं 200 रख रही हूँ। गैप विड्थ मैं यहाँ पे 0 रख रही हूँ, डेप्थ 1/8 ही रखेंगे और यहाँ से आप रैंडम को ऑन कर लेंगे। देन इसके बाद आपको सिंपली एस्केप कर देना है। यहाँ पे आपको थोड़ा मैनेज करना होगा इसे, तो आपको क्लिक करना है एंड लिटिल बिट मैं इसको यहाँ से मूव करूँ आगे की तरफ। इतना करने के बाद ये वाला जो पोर्शन है इसे मुझे प्लेस करना है। तो उसके लिए पहले हम इस पोर्शन को इसके इक्वल रखेंगे। तो अभी मेज़र कर लेते हैं कितना गैप है इसके बीच में। अराउंड 2 फिट है, तो मैं यहाँ से इसे 1 फिट बॉटम की तरफ रिमूव कर रही हूँ। एंड देन इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है एंड जितने पोर्शन के अंदर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे उसे, आप उसे इस तरीके से बना दीजिए। सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन से आप उसे रिमूव कर देंगे एंड यहाँ से देन आप उसे एक्सट्रूड करेंगे। सो अराउंड 6 इंचेस में एक्सट्रूड कर रही हूँ जिस तरीके से। इसे हम इस पोर्शन तक रखेंगे एंड देन बाकी के पोर्शन को हम यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे। इसके बाद जो लाइंस हैं ये, इसको आप मेक श्योर रिमूव कर दें। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेयर्स को बनाना है। तो स्टेयर बनाने के लिए आप डायरेक्टली एक्सटेंशन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 1001 बिटूल एक्सटेंशन का यूज़ कर रही हूँ, जहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की स्टेयर्स मिल जाती हैं। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर डायमेंशन को कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है डायमेंशन का, आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर डायमेंशन को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर मेरी जो विड्थ है वो यहाँ पर 3 फिट है फ्लाइट की एंड जो डिस्टेंस है मेरा यहाँ पे वो 10 इंचेस है। जो राइजर की हाइट होगी उसे मैं अराउंड 7 इंचेस चूज़ करूँगी एंड देन जो बाकी का पोर्शन रहेगा हम उसे ओवरऑल स्केल कर देंगे। 13 नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए हमें, तो मैं सिंपली फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपको मिल जाते हैं। जिस टाइप के अंदर आप बनाना चाहते हैं आप सिंपली उस टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप ए को सिलेक्ट कर रही हूँ। देन यहाँ पे आपको फ्लाइट विड्थ कितनी चाहिए, 3 फिट चाहिए, तो आप इसे बता दीजिए। राइजर हाइट मैं इसे अराउंड 6 इंचेस सिलेक्ट कर रही हूँ। ट्रेड की जो डेप्थ होगी वो यहाँ पे मेरी 10 इंचेस है। नंबर ऑफ राइजर 13। थिकनेस आप कितनी देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से बता सकते हैं, 1 इंचेस इनफ है। एंड बाकी के ऑप्शन यहाँ पे आपको नीड नहीं होंगे, ये जब आप सी या डी टाइप को सिलेक्ट करते हैं तब आपको ज़रूरत होती है। तो इतना बनाएंगे, बिल्ड स्टेयरकेस के ऊपर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ से फर्स्ट एंड आपको सेकंड क्लिक करना है। आपके स्टेयर्स यहाँ पर बन चुके हैं।
देन बाकी का जो पोर्शन रहेगा यहाँ पे मैं उसे क्लोज कर रही हूँ, क्लोज ब्लॉक हम बनाएंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है पेंसिल को एंड यहाँ से आपको इस क्लोज ब्लॉक को कंप्लीट करना है। सो ये वाला जो पोर्शन है इसे मैं बिल्कुल बॉटम तक रखूंगी। एंड इस पार्ट के लिए मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ ताकि एक स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे मिले। इसके बाद जितना भी स्ट्रेट्स हमने बनाया है हम उसके ऊपर मार्बल वर्क बनाने के लिए अलग से मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ। तो सबसे पहले आप स्ट्रेट्स को सिलेक्ट कर लीजिए, मेक श्योर दोनों अलग अलग ग्रुप में हो। इसके बाद आपको रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है एंड किसी भी एक पोर्शन के लिए आप यहाँ पर इस तरीके से रेक्टेंगल बना दीजिए। प्रेस पुल कमांड लेंगे, इसे अराउंड 1 इंचेस में एक्सट्रूड कर रही हूँ, बाहर की तरफ से 1 इंचेस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे इसे और इसे कॉम्पोनेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देन आपको इसकी कॉपीज़ यहाँ पर जनरेट कर लेनी है एंड कॉपी जनरेट करने से पहले हम इसकी जो एजेस है उसको राउंड करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं राउंड एक्सटेंशन का, राउंड कॉर्नर एक्सटेंशन को आप यूज़ कीजिए। डबल क्लिक करेंगे, सभी एजेस को आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से आपको फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन जितना ऑफसेट आप यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से बता सकते हैं। सो अराउंड 1 इंचेस का मैं ऑफसेट दूंगी, अभी काफ़ी ज़्यादा है तो इसे रिड्यूस कर लेते हैं। इतना इनफ है, एंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एजेस है वो आपकी राउंड हो चुकी है। इसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है इसे एंड यहाँ से आपको इसकी कॉपीज़ को जनरेट करना है। सो कुछ इस तरीके से लेंगे, नंबर ऑफ़ कॉपीज हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपकी जनरेट हो जाएगी। एंड जो लास्ट है आपको उसे यूनिक बना लेना है एंड यहाँ से आप क्या करेंगे, इतने पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आप उसे मूव करेंगे। इवन आप डायरेक्टली स्केल भी कर सकते हैं इसे। ओवरऑल पार्ट को आपको स्केल करना है इस पोर्शन तक। इसके बाद जो गेट रहेगा हमारा वो अराउंड हम 3 फिट रख रहे हैं, तो आप टेप मेज़र टूल ले लीजिए और यहाँ से आप इसे मेज़र कर सकते हैं। सो अराउंड 5 फिट एंड 3 इंचेस हैं, तो आपको यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से आपको 3 फिट का एक लाइन ड्रॉ करना है। देन आप इसे क्लोज कर देंगे। देन मैं यहाँ पे से 1 फिट इस तरफ मूव कर रही हूँ, सिमिलरली इस पोर्शन से आपको करना है।
इस लाइन को आपको सिलेक्ट करना है और आपको इसे डिवाइड कर देना है। 3 सेगमेंट हम इसे डिवाइड करेंगे। लाइन ले लीजिए, यहाँ से आपको 2 स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करना है। इस तरीके से इस पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करना है। तो राइट क्लिक करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर रही हूँ एंड यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से ऑफसेट टूल का यूज़ करना है और अराउंड मैं इसे 1.5 इंचेस ऑफसेट करूँगी। डबल क्लिक आपको करना और यहाँ पे और सभी के ऑप्शन पे आपको 1.5 इंचेस का ऑफसेट दे देना है। देन आपको प्रेस पुल टूल को यूज़ करना है एंड ये वाला जो पार्ट है आप इसे बिल्कुल अंदर की तरफ एक्सट्रूड करेंगे। सो अराउंड 3 फिट है तो मैं इसको यहाँ पे 2 फिट एंड 10 इंच नीचे की तरफ पुश कर रही हूँ। सिंपली आपको क्या कर देना है, इनके ऊपर डबल क्लिक करना है। इसके बाद आप इन सभी पार्ट्स को सिलेक्ट कर लीजिए, देन आप इसे कंट्रोल एंड सी एक साथ कॉपी करेंगे, एस्केप प्रेस करना है आपको एंड देन वापस आपको इसे पेस्ट कर देना है। इसका एक अलग से ग्रुप बना लीजिए। देन 0.5 इंचेस आपको इसके अंदर एक्सट्रूड देना है। इस पोर्शन को अराउंड आप 1 इंच बैक की तरफ एक्सट्रूड करेंगे। जिस तरीके से एंड फाइनली ये वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पे आपको आर्क आपको बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले आप लाइन को सिलेक्ट कर लेना आपको एंड यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है। देन आप यहाँ से आर्क को सिलेक्ट करेंगे इस पार्ट के मिड से एंड इस पार्ट के मिड तक। इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना आपको इसे, मूव कमांड को यूज़ करना है एंड आपको यहाँ पर इसकी कॉपीज ले लेनी है। ये जो ब्लॉक्स रहेंगे हमारे, ये ब्लॉक रहेंगे तो आप इसमें नहीं बनाएंगे इस तरीके से। इसके बाद इस पोर्शन के अंदर आपको रेलिंग बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है या इवन आप लाइन का यूज़ कर सकते हैं। आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे 9.9 इंचेस का यहाँ पर सबसे पहले आपको एक शेप बना लेना है। सिलेक्ट कर लीजिए, इसे मूव कर देना थोड़ा सा पीछे की तरफ। देन आप इसका एक ग्रुप बना देंगे। इसके बाद आपको लाइन कमांड को यूज़ करना है एंड इसके मिड के अंदर कुछ उस तरीके से आपको डिफाइन करना है। देन आप यहाँ पे एक आर्क ले लीजिए, इस तरीके से आपको एक आर्क को डिफाइन करना है। इस आर्क को आप सिलेक्ट करेंगे एंड रोटेट कमांड की हेल्प से आपको इसकी कॉपीज़ को जनरेट करना है। इस तरीके से देन फिर से आपको एक आर्क ले लेनी है और इस तरीके से आपको मिड में एक आर्क को डिफाइन करना है। सेलेक्ट करेंगे इसे एंड हम इसकी कॉपी जनरेट करेंगे यहाँ पे।
इसके बाद आपको प्रेसबुल कमांड लेनी है और अराउंड हम इसे 3 फिट एक्सट्रूड करेंगे। देन आपको यहाँ से लाइन कमांड को यूज़ करना है एंड इस पोर्शन के अंदर इसके मिड से आपको एक लाइन को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप रेडिक्स इसको लॉक कर लीजिए, इतने पोर्शन के अंदर आप बनाएंगे एंड ये 4.5 इंचेस है तो यहाँ पे अराउंड 4.5 इंचेस आपको मूव करना है आगे की तरफ। ग्रीन एक्सिस को लॉक करना है आपको एंड सिमिलरली 4.5 इंचेस आपको आगे की तरफ मूव करना है इस तरीके से। क्लोज कर देंगे देन आपको इसको एक्सट्रूड करना है अराउंड 6 इंचेस। सिलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप बना लीजिए या फिर इवन आप यहाँ से इन पार्ट्स को डिलीट कर दीजिए। इसके बाद आपको जितना भी पाथ है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ से आपको फॉलो मी कमांड पे सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से उस पाथ को सेलेक्ट कर लेना है। तो इसी के अलोंग जो आपकी शेप है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी कंप्लीट पाथ में एंड आपको कुछ इस टाइप का रिजल्ट यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद सीम के अंदर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, अप वाले पार्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एंड सी से आप कॉपी कर लीजिए इसे एंड देन आपको इसे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको इसे मूव करना है यहाँ पर, तो एम को आप प्रेस करेंगे एंड अराउंड मैं यहाँ पे इसे मूव करूँ 2 इंचेस। टू फिट एंड 6 इंचेस आपको इसे एक्सट्रूड करना है एंड ये जो लाइन है उसको आप रिमूव कर देंगे। तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा ये हमारे ग्लास के लिए रहेगा एंड सेम तरीके से मैं यहाँ पे रेलिंग बना लूँगी। उसके लिए मैं इसी पोर्शन को सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल एंड सी के साथ आप इसे कॉपी करेंगे एंड देन आप यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। आप इसे मूव करेंगे अराउंड 2 इंचेस, प्रेसबुल कमांड लीजिए एंड आप इसे यहाँ पे एक्सट्रूड करेंगे। हाइट इसमें प्रोवाइड करेंगे हम इसमें, या फिर हाइट प्रोवाइड करने से पहले मेक श्योर आप इसे ग्रुप बना लें। मैं इसको यहाँ से हाइट प्रोवाइड करूँगी अराउंड 1 इंचेस इस तरीके से। मेक श्योर ये आपकी वॉल को टच करें तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। मूव कमांड देंगे यहाँ पर एंड आप एक्सेस को लॉक कर लेंगे। एंड फाइनली ये वाला जो पोर्शन रहेगा यहाँ पे इसे भी मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लाइन कमांड का यूज़ करना है एंड इस पोर्शन के अंदर मैं इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ अराउंड 9 इंचेस या फिर 6 इंचेस आप रख सकते हैं। इतना आप रखेंगे, एक रेक्टेंगल बना लीजिए और आप इसे यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे इस हाइट तक। थोड़ा सा मैं इसको आगे की तरफ मूव कर रही हूँ अराउंड 1 फिट। एंड फाइनली जो हमारा बॉटम वाला पार्ट रहेगा ग्राउंड के लिए, उसके लिए मैं यहाँ से रेक्टेंगल को चूज़ करूँगी एंड यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करूँगी। प्रेसबुल कमांड आप लेंगे एंड यहाँ से आप इसे अराउंड 9 इंचेस का गैप देंगे, सिलेक्ट कर लीजिए, ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए।
सेलेक्ट करेंगे आप इस पार्ट को एंड आप यहाँ से इसके अंदर ऑफसेट प्रोवाइड करेंगे, अराउंड 1 फुट का ऑफसेट मैं दूंगी। यहाँ पे आप लाइन कमांड सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 6 इंचेस का मैं इसको मूव कर रही हूँ। इस पोर्शन के लिए भी मैं जैसे मैंने विंडो को यहाँ पे बनाया था सेम तरीके से मैं यहाँ पे विंडो को बना लूँगी 1001 बिट टूल का यूज़ करके। तो सबसे पहले आपको यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का रेक्टेंगल बनाना है। सिलेक्ट कर लेंगे आप इसे, क्रिएट विंडो फ्रेम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जितना प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो आप यहाँ से बता सकते हैं। डिवाइड कर रही हूँ मैं इसे 4 सेगमेंट के अंदर। एंड देन ये वाला जो पार्ट है इसको आपको मूव करना है। कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेंगे एंड फाइनली हम इसके यहाँ पे कॉपीज लेंगे। इतना पोर्शन करने के बाद आपका जो मॉडलिंग वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्लेस करना है, जैसे डोर है, जैसे सोफ़ा है, फर्नीचर है एंड बाकी की चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट साइट्स अवेलेबल होती है या इवन आप यहाँ पे 3D वेयरहाउस का यूज़ कर सकते हैं। कैसे आपको उसको प्लेस करना है उसके लिए आपको जो यहाँ पे ऑप्शन होता है 3D वेयरहाउस का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है जो भी कंपोनेंट को आप यहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सर्च करूँगी डोर, सर्च के आप यहाँ से एंटर कर दीजिए। इसके अलावा आप यहाँ से रेलेवेंस को चेंज कर सकते हैं लाइक में, तो आपको जो अच्छे मॉडल्स होते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, मॉडल्स के ऊपर क्लिक कीजिए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस डोर को सेलेक्ट कर रही हूँ। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, एक तरीका ये है। एंड दूसरा आपके पास क्या होता है, आपके पास अलग अलग साइट्स अवेलेबल होती है। तो आपके पास एक साइट है यहाँ पे sketchup.cgtips, ठीक है, तो आपको साइट के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जिसको आप डायरेक्टली स्केचअप के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम डोर का ही एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे आपको डोर का ऑप्शन मिल जाएगा मॉडल्स में, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए एंड यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के डोर्स मिल जाएंगे। तो जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस वाले डोर को यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, आपको सिंपली इस लिंक को कॉपी करना है एंड किसी भी वेब ब्राउज़र के ऊपर आपको उस लिंक को पेस्ट कर देना है, एंटर कर दीजिए। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर मिनिमम 10 to 15 सेकेंड ये चूज़ करता है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। सिंपली आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको गेट लिंक का ऑप्शन मिल गया है, आप क्लिक कर दीजिए इस पर। देन सिंपली आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
डाउनलोड हो चुका है आपका ये, एंड इस तरीके से आपको मिलता है, आपको राइट क्लिक करना है और आपको इसके यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको उसकी सभी फाइल्स मिल जाएंगी, डोर है उसकी, रेंडरिंग है, इवन इसके अलावा यहाँ पर आपको मैप भी मिल जाता है जो इसके अंदर यूज़ किया गया है। तो आपको इसको यूज़ करने के लिए मॉडल में, जैसे अभी इसके अंदर दो डोर है तो मैं डायरेक्टली इसको इम्पोर्ट नहीं करूँगी, आप इम्पोर्ट भी करा सकते हैं। ये दूसरा तरीका क्या है, आप किसी भी स्केचअप फाइल से इसे कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगी, यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। इसके बाद जिस भी डोर को आप यूज़ करना चाहते हैं आप उस डोर को सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे इसे, सिलेक्ट करेंगे, इस डोर को मैं कॉपी कर रही हूँ, आपको उस पर मूव करना है एंड यहाँ से आपको उसे पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी के साथ आप इसे पेस्ट करेंगे एंड एज यू कैन सी कि आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुकी है, आप सिंपली इसे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से एक कॉपी मुझे इसके अंदर की तरफ पेस्ट करनी है, तो मैं यहीं पे इस कॉपी को सिलेक्ट करूँगी एंड यहाँ से मैं इसे मूव करूँगी। स्केल टूल का मैं यूज़ कर रही हूँ इसको प्रॉपर साइज देने के लिए। एंड यहाँ पे इस वाले पार्ट को करेक्ट करने के लिए मेक श्योर यहाँ पर एक कंपोनेंट ना हो कोई भी पार्ट, तो आप एक बार इस पर डबल चेक कर सकते हैं। सभी आपके यहाँ पे ग्रुप के अंदर हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इसे एडजस्ट करना है, बिकॉज यहाँ पर मैं डबल डोर बना रही हूँ, तो कुछ इस तरीके से आप इसे एडजस्ट करेंगे। इस पोर्शन के अंदर मैं ग्रीनरी एरिया प्लेस ज़्यादा करने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल को डिफाइन करना है। आप इस तरीके से एक रेक्टेंगल को बना लेंगे, सिलेक्ट कर लीजिए, उसे ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, इस रेक्टेंगल के अंदर हमें यहाँ पर जो वायरिंग वाला वर्क होता है वो हमें प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी 1001 बिट टूल का। यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आपके पास इसके अंदर एक ऑप्शन होता है डिवाइड सिलेक्टेड फेस इनटू पैनल, आप इस ऑप्शन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आप कुछ इस तरीके से पैनल्स को बना सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ़ पैनल्स आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ रोज आप कितने डिफाइन करना चाहते हैं, इसी तरीके से नंबर ऑफ़ कॉलम कितने होंगे वो आप यहाँ पर बता देंगे, डेप्थ आप यहाँ पर बता देंगे। तो 0.5 इंचज में डेप्थ चूज़ कर रही हूँ, बिकॉज जितना वायर होता है उसी के अप्रोक्स आपको रखना है। इसे 0.25 इंचेस रखेंगे हम
इस तरीके से एंड फाइनली आप क्रिएट विंडो फ्रेम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो फ्रेम है वो डिज़ाइन हो चुका है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका उसको हम इसे रिमूव कर देंगे। तो आपको सिंपली सिलेक्ट करना है और आपको उसे डिलीट कर देना है। जो पैनल्स है उसमें थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए आपको करना इतना है, आप प्रेस पुल लेंगे और यहाँ से आप इसके अंदर थिकनेस को प्रोवाइड करेंगे। सो 0.2 इंच में थिकनेस प्रोवाइड कर लूँ। ग्रुप के अंदर ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट है, एक बार और हम इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन आपको क्या करना है, इसे प्लेस कर देना है। दूसरा फेस है उसे आप डिलीट कर देंगे एंड देन आपको इसको क्या करना है, मूव करना है थोड़ा सा बॉटम की तरफ अराउंड 0.25 inches, इसलिए थोड़ा गैप आ जाए इसके अंदर। एंड इसके बाद कुछ कंपोनेंट्स को जैसे हम वेयर हाउस से एंड सेकंड हम यहाँ से साइड से यूज़ करेंगे, सेम तरीके से अगर आप एनस्केप का यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होता है एसेट लाइब्रेरी का, तो आप डायरेक्टली इसका भी यूज़ कर सकते हैं। आपको करना इतना है एसेट लाइब्रेरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेक श्योर जब आप इसे यूज़ करें आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, या इवन अगर आप इसमें 3.0 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑफलाइन एनस्केप एसेट का, तो आप यहाँ से ऑफलाइन लाइब्रेरी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए यहाँ पर आपको कैटेगरीज मिल जाती हैं एंड बॉटम में आपको टैग बोल सकते हैं या इवन आप इसे सब कैटेगरी बोल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे वेजिटेशन में वर्क करना है तो मैं वेजिटेशन को सिलेक्ट करूँगी। ग्रीनरी पोर्शन को चूज़ करने के लिए मैंने वेजिटेशन पे क्लिक किया। व्यू है जो प्रीव्यूज हैं वो आपके अपडेट हो जाएंगे। टैग्स के अंदर आपको लिमिटेड टैग्स मिल जाएंगे, तो जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या इवन आप यहाँ से प्रीव्यू में देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस IVY को सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो आप सिंपली इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको इस प्रॉक्सी के फॉर्म में मिलेगा। आप इसे अपने अकॉर्डिंग स्केल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं इसे रोटेट करूँगी 90 डिग्री। इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करूँगी एंड फाइनली हम इसे यहाँ पर मैनेज करेंगे। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे मैं सेम तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट को एसेट लाइब्रेरी से एंड कुछ ऑब्जेक्ट को 3D वेयरहाउस से एंड रिमेनिंग ऑब्जेक्ट से उसको मैं स्केचअप साइट से प्लेस कर लूँगी। सो एज यू कैन सी कि जैसे ही हम सभी कंपोनेंट को प्लेस कर देंगे हमारा जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके से विजिबल होगा। मेक श्योर आप इसमें सभी कंपोनेंट को अपने अकॉर्डिंगली प्लेस कर लें एंड फाइनली आपको करना क्या है, यहाँ पे लाइटिंग के ऊपर वर्क करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने जहाँ पे भी मुझे लाइट की रिक्वायरमेंट है मैंने वहाँ पे एक सर्कुलर शेप बना दी है, एक सिलेंड्रिकल शेप बना दी है एंड मैंने वहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है। जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे IES लाइट को यूज़ करने वाली हूँ सो मेक श्योर आप इस तरीके से वहाँ पे क्या बना दें, एक रेफरेंस पॉइंट बना दें सो दैट कि जब भी आप इस पे लाइट को प्लेस करें तो उसकी जो शेडो है वो बिल्कुल बॉटम में ना जाए, वहाँ पर वो क्या हो जाए, जो एक डायरेक्शन बनाती है आपकी, डायरेक्शन एंगल होता है वो यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। तो मेक श्योर आप इस चीज़ को ज़रूर करें। अभी मुझे जहाँ पे भी चाहिए था मैंने वहाँ पे सभी पोजीशंस के अंदर इस तरीके से लाइटिंग को प्लेस कर दिया है, आप कंप्लीट में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आप यहाँ पे एक लाइट बनाएंगे मेक श्योर आप उसको कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट ज़रूर करें सो दैट आप एक के अंदर यहाँ पर लाइट को एंटर करेंगे तो जितने भी कंपोनेंट में जहाँ पे भी मैंने लाइट को प्लेस किया है उन सभी के अंदर सिंगल क्लिक में मेरी जो लाइट है वो प्लेस हो जाएगी। एंड कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको एक शेप बनाना है एंड आपको राइट क्लिक करके वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है मेक कंपोनेंट का, तो आप यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद लाइट को प्लेस करने के लिए यहाँ पे आपको एनस्केप ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की लाइट्स मिल जाती हैं। मैं यहाँ पे IES लाइट को क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट का यूज़ करूँगी। मैंने सिंपली इस लाइट को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे आपको करना क्या है, 4 स्टेप्स के अंदर आपकी जो स्पॉट लाइट है वो यहाँ पे प्लेस होती है। फर्स्ट जो 2 स्टेप्स रहते हैं उस पर हमें सोर्स को डिफाइन करना होता है एंड नेक्स्ट 2 स्टेप्स के अंदर हमें यहाँ पे किस एंगल में आपको लाइट चाहिए, कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए लाइट की वो हम बताते हैं। तो मैं 2 पॉइंट को सेम जगह पे क्लिक करूँगी
एंड देन बाकी के जो टू पॉइंट्स रहेंगे मेरे, वो मेरे डायरेक्शन के लिए रहेंगे। तो इस तरीके से जो लाइट होगी वो आपकी प्लेस हो जाएगी। बट ये जो लाइट है ये स्पॉट लाइट है, तो यहाँ पे अगर आपको IES फाइल को लोड कराना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको क्या करना है, इस टिक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको फाइल्स मिल जाती है, जहाँ पर भी आपने फाइल को सेव किया है सिंपली आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, यानी यहाँ से आप उसे ओपन कर देंगे। देन आपका जो पैरामीटर है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। अगर आप स्पॉटलाइट यूज़ करते हैं, इनकेस मैंने यहाँ से इसको अनटिक कर दिया, तब मेरी स्पॉटलाइट आ जाती है, तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए भी एंड इवन बीम एंगल के लिए भी। बट अगर आप IES को लोड कराते हैं तो वहाँ पर आप बीम एंगल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ओनली आप यहाँ पर इंटेंसिटी को कंट्रोल कर पाएंगे। एक स्टेप हमारा ये होगा। एंड सेकंड स्टेप के अंदर करना क्या है आपको, बिकॉज जब आप लाइट को प्लेस करते हैं तो IES लाइट जब आप प्लेस करेंगे सो ओनली उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा, बट कहीं ना कहीं पे आपको सोर्स को भी आपको इल्यूमिनेट करना होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, किसी भी एक मटेरियल को सिलेक्ट कर लेना है। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस कलर को चूज़ किया एंड मैंने क्या किया, इस पोर्शन के अंदर मैंने उस कलर को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद अगर आपको इसको इल्यूमिनेट कराना है तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि आप इसमें कीवर्ड्स में चेंज कर सकते हैं, तो पहला आपको यहाँ पर कीवर्ड्स में चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे MSF वर्ड टाइप करते हैं तो भी ऑटोमेटिकली जिस भी पोर्शन में आपने इस कलर को अप्लाई किया है या इवन किसी मटेरियल को अप्लाई किया है वो यहाँ पर ग्लो करेगा। या दूसरा तरीका आपके पास ये होता है कि आप उस पर्टिकुलर मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एंडस्केप मटेरियल एडिटर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जितने भी मटेरियल आप इसके अंदर प्लेस करते हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको टाइप्स मिल जाते हैं, तो आप यहाँ से अलग अलग टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। इल्यूमिनेशन के लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है सेल्फ इल्यूमिनेटेड का, तो मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए पैरामीटर्स मिल जाते हैं। सो आप इतना कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एंडस्केप व्यू को भी दिखा देती हूँ। तो एंडस्केप व्यू को शो करने के लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट एंडस्केप के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। मैंने ऑलरेडी इसमें क्लिक किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इल्यूमिनेशन की हेल्प से कुछ इस टाइप का इम्पैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। थोड़ा हम बैक मूव करेंगे, एज यू कैन सी कुछ इस टाइप का इम्पैक्ट आपको मिलेगा। एंड जो हमने स्पॉट लाइट यहाँ पर क्रिएट की थी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो IES लाइट थी, उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मैं इसको थोड़ा इवनिंग मोड के अंदर लेके जाऊँगी। उसके लिए आपको शिफ्ट को प्रेस करना है एंड यहाँ से आपको राइट क्लिक को ड्रैग करना है। सो किसी पर्टिकुलर वॉल पर हम देखेंगे, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप का इम्पैक्ट आ रहा है। यहीं पर अगर मैं सेल्फ इल्यूमिनेशन को ऑन नहीं करती हूँ, मैंने इस ऑप्शन पे गया एंड मैंने सेल्फ इल्यूमिनेशन की जो प्रॉपर्टी थी उसको मैंने यहाँ पर रिड्यूस कर दिया। सो अभी भी क्या हो रहा है कि आपको लाइट का इम्पैक्ट तो मिल रहा है, बट जो सोर्स है वो आपका यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा है। इसीलिए आपको कोई भी आप स्पॉट लाइट को प्लेस करते हैं, सो मेक श्योर आप इसमें दोनों स्टेप्स को फॉलो करें। फर्स्ट तो होगा आपका लाइट का यहाँ पर क्रिएट करना, एंड सेकेंड वन इज़ कि आप जो सोर्स हैं, जहाँ मेन सोर्स रहेगा, उसको भी आप यहाँ पर इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करें। उसके लिए आप सेल्फ इल्यूमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लाइटिंग में कलर को डिफाइन करना है, आप किसी पर्टिकुलर कलर चाहते हैं यहाँ पे, सो सोर्स के लिए तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कलर का। तो जो भी कलर आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं आप उस कलर को चूज़ कर सकते हैं। सो एक हल्का सा इम्पैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड अगर आप प्रॉपर देखना चाहते हैं तो आपको इल्यूमिनेशन को कम करना होगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पर भी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो मैं दोनों चीज़ों का ध्यान रखूँगी, मुझे बिल्कुल लाइट इम्पैक्ट चाहिए तो मैं इतना रखूँगी इसे, एंड इसकी वजह से इल्यूमिनेशन भी मुझे मिल रहा है। सेम तरीके से अगर आपको लाइट के ऊपर ऐड करना है तो उसके लिए आपको करना क्या है, जो भी लाइट आपने सिलेक्ट की हुई है आपको सिंपली उस लाइट के ऊपर इस तरीके से कलर को अप्लाई कर देना। सो जो भी कलर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे उसी कलर का इम्पैक्ट आपको यहाँ पर विजिबल होगा। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे ब्लू लाइट को प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए मैं करूँगी क्या, सिंपली यहाँ से एक ब्लू कलर की लाइट को सिलेक्ट करूँगी एंड यहाँ पर मैं उसको अप्लाई कर दूँगी। सो एक ब्लू टोन आपको यहाँ पे मिलेगा, कुछ
कि उस तरीके से, बट ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है। तो या तो मैं इसमें वॉर्म लाइट यूज़ करूँगी या फिर मैं इसके अंदर वाइट कलर यूज़ करूँगी। इस कलर को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ एंड सिंपली मैंने इसके ऊपर इसे अप्लाई किया। लास्ट स्टेप के अंदर जो लाइट होगी आपकी, आपको इसके ऊपर कलर अप्लाई करना है, तो आप कोई भी कलर इसके अंदर अप्लाई कर दीजिए। इतना करने के बाद जो स्टेयर है हमारी, वहाँ पर भी मैं लाइट को अप्लाई करूँगी। सो उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, किसी भी एक जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे। बिकॉज हमने इसे कंपोनेंट में कन्वर्ट किया हुआ है, तो या तो आप कंपोनेंट के अंदर जाके अप्लाई कर सकते हैं, इवन आप बाहर कर सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एंडस्केप ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी एंड यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की लाइट्स मिल जाती हैं। तो इसके अंदर से मैं रेक्टेंगल लाइट का यूज़ कर रही हूँ, मैं सिलेक्ट करूँगी इसे एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लाइट को अप्लाई करेंगे। देन सिंपली आपको करना क्या है, इसको हर एक स्टेयर के अंदर प्लेस कर देना है। थोड़ा सा मैं इसे स्केल करूंगी सो दैट इम्पैक्ट ओनली मेरा स्टेयर के बॉटम वाले पोर्शन में आए एंड यहाँ पे हम इसे कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देन सिंपली आपको उसकी कॉपीज को जनरेट कर लेना है। एंड यहाँ पे आप इसकी कॉपीज ले लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 12 सो दैट 12 कॉपीज इसकी जनरेट हो जाएंगी। एज यू कैन सी कुछ इस टाइप का इम्पैक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा वार्मिश टोन में इसको दूंगी सबसे पहले, तो जो इसकी इंटेंसिटी है हम उसे कम करेंगे बिकॉज थोड़ी ज़्यादा ओवर लग रहा है ये। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको ल्यूमिनस पावर करके ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, इसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देना है। अराउंड इतना रखेंगे हम इसे। कुछ इस टाइप के, इस तरीके से आप लाइटिंग को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी इंटीरियर मॉडल में। देन नेक्स्ट स्टेप एंड जो लास्ट स्टेप हमारा रहेगा इसमें, वो होगा मटेरियल को प्रोवाइड करना। सो मटेरियल को अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस होते हैं।
इसके अंदर कुछ मटेरियल्स को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एनस्केप मेटल लाइब्रेरी से। आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे स्टैब के ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको 302 मटेरियल्स मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस मेटल को इम्पोर्ट कराना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी एंड यहाँ पर आपको इम्पोर्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ से डायरेक्टली इम्पोर्ट करा सकते हैं, जितने भी मेटल आप इम्पोर्ट कराना चाहते हैं आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आप उसे इम्पोर्ट करा लीजिए। अभी ऑटोमेटिकली आपका जो मटेरियल है वो यहाँ पर इम्पोर्ट हो चुका है। एंड देन आपको करना क्या है, जिस भी पोर्शन में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आप उसे अप्लाई कर देंगे। जस्ट बिकॉज ये इसे हमने डायरेक्टली एनस्केप मेटल लाइब्रेरी से सिलेक्ट किया है, तो जितने भी मटेरियल होंगे उसकी रिफ्लेक्टिविटी, ग्लोसीनेस एंड एक्स वाई जेड जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाते हैं। तो आपको इसके अंदर चेंज करने का कोई नीड नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी फिनिशिंग के साथ आपको जितने भी मटेरियल्स होंगे वो यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको क्या करना है, इसकी मटेरियल में चेंज करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एनस्केप मेटेरियल एडिटर इसी ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको इस मेटेरियल की सभी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी कि कितना इसके अंदर आपने बम्प अप्लाई किया हुआ है, कितना रिफ्लेक्शन है, मेटालिक, स्पेक्युलर एंड सभी ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड इवन अगर आप स्केचअप मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप किसी भी मेटेरियल को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं कलर्स पे जाऊँगी एंड वॉल्स के लिए मैं यहाँ पर हल्का ग्रे कलर चूज़ कर रही हूँ, तो इस कलर को मैं सिलेक्ट करूँगी एंड सिंपली मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इस पर अप्लाई कर दूँगी कुछ इस तरीके से। सो एज़ इट इज़ इम्पैक्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। सो इस तरीके से जितने भी मटेरियल्स होंगे मैं उसे अप्लाई कर दूँगी एंड देन फाइनल स्टेप्स के अंदर हम यहाँ पर एनिमेशन को कैसे रिकॉर्ड करना है वो हम सीखेंगे। सो फाइनली कंप्लीट मटेरियल के बाद, लाइटिंग प्लेस करने के बाद एंड सभी कंपोनेंट को प्लेस करने के बाद आपका जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है। सो ऐसे आप कंप्लीट इंटीरियर को डिज़ाइन कर सकते हैं, इवन आप एक्सटीरियर को डिज़ाइन कर सकते हैं। फाइनली अगर आप यहाँ पर रेंडर लेना चाहते हैं अपने व्यू का, तो रेंडर लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने व्यू को सेट करना होगा। सो मैं थोड़ा पीछे के पोर्शन से लूँगी इसे। सो व्यू को सेट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं स्क्रीनशॉट का, तो अगर आप स्क्रीनशॉट पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बैच रेंडरिंग का होता है, तो जितने भी सीन्स को आप स्केचअप के अंदर क्रिएट करते हैं अगर आप उन सभी सीन का एक साथ रेंडर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बैच रेंडरिंग का ऑप्शन यूज़ करेंगे। एंड अगर आप जो व्यू आपने सेट किया है अगर आप ओनली उस व्यू का लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके लिए जो शॉर्टकट असाइंड है सॉफ्टवेयर के अंदर, दैट इज़ शिफ्ट प्लस F11। तो या तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या इवन आप शिफ्ट प्लस F11 को प्रेस कर सकते हैं। रेंडर लेने से पहले आपको इसकी सेटिंग्स वगैरह के बारे में भी देखना होता है, तो उसके लिए आपके पास विजुअल सेटिंग्स का ऑप्शन होता है जहाँ पर आपको आउटपुट के अंदर क्या रेजोल्यूशन आपका इमेज का है वो आपको यहाँ मिल जाता है, किस फोल्डर के अंदर आप सेव करना चाहते हैं, फाइल फॉर्मेट क्या है। इसी तरीके से अगर आप ऑब्जेक्ट आईडी, मटेरियल आईडी एंड डेप्थ चैनल इनके भी रेंडर लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे टिक करेंगे। अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन पे बिलीव करते हैं, कैसे आप पोस्ट प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इन रेंडर एलिमेंट्स की नीड होती है, तो आप यहाँ पर इसे क्लिक कर दीजिए। एंड अगर आप ओनली सिंपल रेंडर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइल फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है, तो मैंने JPG को सिलेक्ट किया। डिफ़ॉल्ट फोल्डर अगर आप चाहते हैं कि कहाँ सेव होने चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या फिर बाद में आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इतना रखेंगे इसे। रेजोल्यूशन को मैं यहाँ से अल्ट्रा HD सिलेक्ट करूँ तो 3K के अंदर मेरे ये रेंडर होगा। इसके बाद मैं इसे क्रॉस कर दूँगी एंड फाइनली मैं क्या करूँगी, यहाँ पर स्क्रीनशॉट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। कहाँ आप सेव करना चाहते हैं, ये हमारा डिफ़ॉल्ट फोल्डर है जो कि वहाँ पर सिलेक्ट है एंड बाद में आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पर इसे सेव कर रही हूँ, यहाँ पर मैं डाल दूंगी फर्स्ट एंड सिंपली मैं इसे यहाँ से सेव करूँगी। फॉर्मेट को बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं बट जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट रहेगा आपका वो यहाँ पर JPG होगा। इसे सिंपली सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे आपकी जो इमेज होगी आपकी वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी।
सो एज यू कैन सी हमारी जो इमेज है वो सेव हो चुकी है। तो ऐसे आप इमेज यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर एनिमेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर वी को प्रेस करना होगा वीडियो एडिटर को ओपन करने के लिए। एंड कभी भी आप यहाँ पर एनिमेशन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए मेक श्योर आप इसमें क्या करें, सेव फ्रेम को ऑन कर लें। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, आप क्लिक कर दीजिए। सो आपको मिल जाएगा कि कितना पोर्शन आपका रेंडर के अंदर नहीं आने वाला है, तो आप इसे इनेबल रखेंगे। देन मैं यहाँ से के को प्रेस करूँगी की फ्रेम को ऐड करने के लिए। एंड जैसे मैं मूव करना चाहती हूँ मैं यहाँ पर मूव करूँगी कुछ इस तरीके से। देन फिर से मैं की को प्रेस करूँगी सेकंड की फ्रेम को ऐड करने के लिए। एंड लिटिल बिट मैं इसके अंदर यहाँ पर रोटेशन प्रोवाइड करूँगी। सो 3 की फ्रेम्स को मैंने ऐड कर दिया है। ड्यूरेशन इसकी टोटल यहाँ पर आपको मिल जाती है, तो आप यहाँ से इसे चेंज करके देख सकते हैं। एंड अगर आप कंप्लीट एनिमेशन के टॉपिक को, अलग अलग इफ़ेक्ट्स को सीखना चाहते हैं कि कैसे आप एनिमेशन में वर्क करते हैं, तो उसके लिए जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इवन आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12 सेकंड का मैं एनिमेशन रख रही हूँ, इसे आप प्ले करके देख सकते हैं। सो इसी तरीके से जितने भी की पॉइंट्स होंगे मैं उन्हें ऐड कर लूँगी। एंड फाइनली मैं इसमें एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। रेजोल्यूशन भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, बिकॉज जो रेजोल्यूशन ने वहाँ चेंज किया था वो ओनली इमेज के लिए था, वीडियो के लिए आपको यहाँ पर पैरेलली सिलेक्ट करना होता है। तो अल्ट्रा एचडी में इसे रख रही हूँ, 3K के अंदर ही रेंडर होगी आपकी। यहाँ पे कंप्रेशन क्वालिटी मैक्सिमम रखेंगे। एंड FPS मैं इसका यहाँ पर 30 सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर आपको स्मूथ एनिमेशन चाहिए तो आप इवन 60B सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ से आप इसे सेव कर दीजिए। ऐसे आप किसी भी एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक 360 एनिमेशन को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसमें पैनोरामा इमेज का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसके बिल्कुल सेंटर में जाऊँगी। एंड देन फाइनली हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको चेंज कर देना है 2-point परस्पेक्टिव से परस्पेक्टिव व्यू के अंदर, सो दैट जो पैनोरामा वाला ऑप्शन होता है वो आपका यहाँ पर ऑन हो जाता है। तो आपको किसी भी एक व्यू को यहाँ पर मैनेज कर लेना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इसके बाद आपके जो पैनोरामा इमेज है उसे आपको अपलोड करना होगा सेव करने के लिए। सो अभी के लिए मैं इनस्केप व्यू को क्लोज कर रही हूँ। एंड देन आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके पास मैनेज अपलोड का ऑप्शन होता है, तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एंड जो भी आपने इमेज यहाँ पर रेंडर करी है वो इमेज आपको यहाँ मिल जाती है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आपको इसे क्लाउड पर अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 8K पिक्सल्स के अंदर तक ये जो इमेज है ये यहाँ पर आपकी एक्सपोर्ट हो जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर डू मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड देन आपको यहाँ से फाइल को सेव करना है। अगर आप इस इमेज को QR कोड के थ्रू स्कैन करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को भी सेव कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे सिर्फ पैनोरामा फाइल को सेव करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी एंड सिंपली मैं यहाँ पर इसे सेव कर दूँगी। देन इसके बाद आपको करना क्या है, किसी भी गूगल वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आपकी इमेज यहाँ पर रेंडर हो चुकी है।
कुछ इस तरीके से। देन हम यहाँ पे किसी भी वेबसाइट के ऊपर चलेंगे, क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, एंड देन आपको यहाँ से एक वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, दैट इज़ 360 फोटो टू वीडियो। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फर्स्ट लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है, एंड देन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है इमेज को। तो आप क्लिक करेंगे इस पर, एंड आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ से सिंपली आप इसे ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लिटिल बिट मैं इसके फील्ड ऑफ व्यू को यहाँ पर डिक्रीज कर रही हूँ, अराउंड 85 में इसे रखूँगी। इतना, एंड जो नंबर ऑफ रोटेशन है वो मैं यहाँ से 2 कर रही हूँ, एंड वीडियो का ड्यूरेशन मैं यहाँ से 15 सेकेंड कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ से आप रोटेशन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज आपके पास ऑप्शन मिल जाता है, एंड सेकंड वन इज़ काउंटर क्लॉकवाइज, या फिर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। एंड इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से कन्वर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर प्रोग्रेस होगी, एंड इसके बाद हम इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ आई अज्यूम कि आपको इंटीरियर कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे उसमें एनिमेशन करना है, क्लियर होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट हो मटेरियल, लाइटिंग या किसी और ऑप्शन से रिलेटेड, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आप सभी टॉपिक को अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एनस्केप पर हमने एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया है, मेक श्योर आप उस कोर्स को ज़रूर चेकआउट करें। एंड आई होप यू रियली इन्जॉय द कॉन्टेंट ऑफ दिस वीडियो, सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।